साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। 224 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 10 मई को ये चुनाव एक ही चरण में पूरा होगा, जबकि 13 मई को ही नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। लिहाजा इस ऐलान के साथ ही कर्नाटक के राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। हालांकि यहां सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच होगी, लेकिन जेडीएस समेत छोटे छोटे कई अन्य राजनीतिक दल भी प्रमुख फैक्टर साबित हो सकते हैं। कर्नाटक में वर्तमान में बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब की बार कर्नाटक के मुकाबले में उसकी उम्मीदों की राहों में कई रोड़े हो सकते हैं, यानी ये चुनाव बीजेपी के लिए टफ चैलेंज साबित हो सकता है। कर्नाटक के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा भी जोरदार है कि कर्नाटक राज्य में अलग अलग समुदायों से जुड़े मुद्दे और सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़ी उनकी अपेक्षाएं और उन पर उन समुदायों की संतुष्टि असंतुष्टि इस गेम को बना और बिगाड़ सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मुकाबले में बीजेपी कांग्रेस जेडीएस के बीच मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे सकता है। बीजेपी आस लगाए बैठी है कि वो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी, जबकि कांग्रेस अपने दिग्गज चेहरों सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के दम पर इस चुनाव में बीजेपी को सीधी टक्कर देने की तैयारी में रणनीतियों को गांठने में लगे हुए हैं। इस बीच चर्चा तीसरे प्रमुख दल जेडीएस को लेकर भी है, जो इस मुकाबले को अगर त्रिकोणीय नहीं भी कर पाती तो भी उसकी भूमिका किंग मेकर की साबित हो सकती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले छोटा दल होते हुए भी जेडीएस की अहमियत बरकरार है। अब बात करते हैं कर्नाटक के चुनावी धरातल पर कुछ ऐसे बड़े और सुलगते मुद्दों की, जो इस चुनाव में हार या जीत का फैक्टर साबित हो सकते हैं। कर्नाटक की राजनीति को लेकर राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है कि इनका मूड जाति, धर्म और क्षेत्रवाद से जुड़े मुद्दों पर तेजी से स्विंग करता है। ऐसे में इन मुद्दों को सावधानी से साधने वाला दल ही यहाँ चुनाव जीतता आया है। यहाँ चुनावी तारीख के ऐलान से कुछ दिन पहले ही सत्तारूढ़ बीजेपी ने एक बड़ा दाव चला है। उसने कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी की सूची से बाहर करते हुए ईडब्ल्यूएस के 10% वाली श्रेणी में रखने का फैसला किया, जबकि ओबीसी श्रेणी में अब तक जो मुसलमानों को 4% आरक्षण का प्रावधान था, उसे बराबर बराबर लिंगायत और वक्कालिगा समुदाय के बीच बांट दिया है। कहा जा रहा है कि आरक्षण में इस तरह के फेरबदल से बीजेपी ने तीनों ही समुदायों की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश की है। दरअसल कर्नाटक राज्य में ये तीनों ही समुदाय संगठित तौर से एक बड़ा वोट बैंक हैं। इनमें अगर बिखराव हो तो फायदा किसी दल को नहीं होता, लेकिन इस समुदाय के मतदाता अगर किसी दल के प्रति संगठित तौर से सहानुभूति रखें तो ये बड़े वोट बैंक के तौर पर उसे चुनावी फायदा पहुंचा सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुद्दों के मैदान में बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत होती दिखाई दे रही है। बीजेपी इस बात को बेहतर ढंग से समझती है कि दक्षिण कर्नाटक में वक्कालिगा जबकि उत्तर कर्नाटक में लिंगायतों का प्रभुत्व है। ऐसे में जिस वक्कालिगा समुदाय को 3A कैटेगरी के तहत 4% आरक्षण दिया गया है, उसे 2C कैटेगरी के तहत 2% ज्यादा आरक्षण दिया गया है। लिंगायतों को पहले 3B श्रेणी के तहत 5% आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें नए 2D कोटा के तहत 7% आरक्षण मिलेगा। यानी बीजेपी ने अब की बार तैयारी पूरी कर रखी है। दरअसल साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को 36.35% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस 38.14% वोट हासिल करके भी सरकार नहीं बना पाई थी, क्योंकि उसकी जीती गई सीटों की संख्या कम थी। लेकिन बीजेपी शायद इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, शायद इसी वजह से उसकी तैयारियां भी बेहद पुख्ता दिखाई दे रही हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।